इसमें एक पहला, इसका जो पहला पहलू मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ आज, वो ये है कि कुरान की हर जो सूरत है उसकी वो एक दर्स ही समझ लें, एक खुतबा ही समझ लें, और उस खुतबे के अंदर जो बात जहाँ से शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, इसे कहते हैं मफातीहुस्सूर व ख़वातीमुहा। सूरत जहाँ से उसका इफ्तिताह है और जहाँ उसका इख्तिताम है, उनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। सूरत के इफ्तिताह से सूरत का ताल्लुक़ होता है, उसके इख्तिताम से, दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, और ये ख़ास नज़र आता है पूरे कुरान में। आप देख लें इफ्तिताह और इख्तिताम की बात आपको मिली जुड़ी मिलेगी, और उसकी एक तालीमी, उसका एक तालीमी फ़लसफ़ा है। कोई अच्छा टीचर जब क्लास पढ़ा रहा होता है तो शुरू में पूरे दर्स का खुलासा आपको दे देता है, आज हम ये पढ़ेंगे, ये बात आएगी, बोर्ड पे लिख देता है, होता है कि नहीं? सिलेबस ऑफर करते हैं तो इस चैप्टर में ये बात होगी। आप अच्छी किताब पढ़ेंगे तो किताब के शुरू में क्या होगा, इस चैप्टर में ये इस चीज़ पर बहस होगी। लेकिन अच्छा मुअल्लिम जब पढ़ा रहा होता है तो सेशन के आखिर में जाने से पहले क्या करता है, मुराजा, रिव्यू, दोहराई करता है कि नहीं? अच्छा आज हमने ये बात सीखी थी, ये तीन बातें सीखी थी। लेकिन क्या वो वही ज़बान इस्तेमाल करता है जो शुरू में इस्तेमाल हुई थी, या उससे कुछ मुख्तलिफ? अब तो आपको कुछ तजुर्बा हो गया ना, अब तो आपने कुछ सीख भी लिया, तो अब आपसे दोहराई तो कराई जा रही है, लेकिन उस दोहराई में कुछ फ़र्क भी आता है, कुछ नई बात भी आती है, क्योंकि आपके फहम में, आपकी अकल में, आपकी समझ में, आपकी सोच में कुछ मैच्योरिटी आ चुकी है। अब आप थोड़ी और तरक्की कर चुके हैं इस दर्स के दौरान, इन 40 मिनट में कुछ फ़र्क तो पड़ा है, उस फ़र्क को लिहाज करते हुए आखिर की बात बिल्कुल पहली वाली बात नहीं होगी, उससे ताल्लुक़ तो होगा लेकिन उससे कुछ मुख्तलिफ भी होगी। यही कुरान का मामला है। कुरान में पहले शुरू में एक बात आएगी, सूरत पढ़ोगे तो कुछ वही बात समझनी शुरू आएगी, थोड़ी और समझ आएगी, थोड़ी और समझ आएगी, थोड़ी और समझ आएगी, फिर आखिर में उसको ख़त्म करके उसी बात को दोबारा एक खूबसूरती से दोहरा दिया जाएगा। जैसे आप बकरा की मिसाल लेते हैं, क्योंकि बकरा जो है कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। पहली आयात में है हुदल्लिल मुत्तकीन, ये सूरत है हिदायत किसके लिए? तकवे वालों के लिए। अब जब आप शुरू में पढ़ें कि ये हिदायत तकवे वालों के लिए है, तो फिर आपको ये लगे शायद कि तकवा तो बड़े ख़ास लोगों का वस्फ़ है, बड़े ख़ास लोगों की पहचान है, मैं तो बस मुसलमान हूँ, मुत्तकी तो दूर की बात है ज़रा। तो ये हिदायत तो है, लेकिन ये हिदायत कुछ ऊंचे तबके के लोगों की है, कुछ बहुत पहुँचे हुए लोग हैं उनके लिए हिदायत है, मेरे लिए कहाँ हिदायत है, क्योंकि हुदल्लिल मुत्तकीन कह दिया शुरू में। अब बाद में थोड़ी सी वजाहत तो मुत्तकी कौन है और कौन इस हिदायत से फ़ायदा उठाएंगे, वो शुरू में बात आ गई। लेकिन अगर आखिर तक आपको बात समझ ना आई हो, तो फिर एक बहुत अहम बात आखिर में आ गई, जिससे पहले जो हिदायत है मुत्तकी की वो बात वाज़े हो गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिर में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सूरत के आखिर की बात है। बात क्या है? अल्लाह ताला किसी पर ऐसा बोझ नहीं डालता जो उसकी इस्तेताअत से, उसकी कुदरत से ऊपर का हो, उसको वो संभाल ना सके, मेरे उसके बस की बात ना हो, उसको ऐसा बोझ नहीं देगा अल्लाह ताला। यानी अगर कहा कि ये हिदायत है तकवे वालों के लिए, और आखिर में कह दिया कि मैं कभी किसी को ऐसी जिम्मेदारी नहीं देता जो उसके बस से बाहर हो, तो तकवा तुम्हारे बस के बात ही की बात ही है, तकवे की सलाहियत तुम्हें है, इसीलिए तुम्हें हिदायत दी जा रही है। अगर तुम इसके काबिल ना होते तो तुम्हें हिदायत ना दी जाती। अगर तुम इसके काबिल ना होते कि सुबह उठ के नमाज़ पढ़ लो, वक्त पे पाँच नमाज़ें पढ़ लो, तो तुम्हें नमाज़ों का हुक्म ना दिया जाता। अगर तुम इसके काबिल ना होते कि हलाल कमा सको, तो तुम्हें हलाल हराम की तमीज़ ना सिखाई जा सकती। कुरान में शुरू में बस इशारा ही था, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, किस चीज़ पर ईमान है लोगों का? गैब पर ईमान है, जो चीज़ अनदेखी हो उस पर ईमान है। अच्छा, इसकी वजाहत कहाँ आती है? आखिर में पढ़ें, कुल्लुन आमना बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ये किस बात की वजाहत है? गैब की वजाहत है ना। ईमान ले आए अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके मलाइका पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर। रसूल को रसूल मानना भी गैब का ईमान है, पता है? लोग कहते हैं नहीं नहीं, रसूल कैसे गैब का ईमान, तो रसूल तो नज़र आता है। रसूल तो नज़र आता है, लेकिन उसको रसूल मानना गैब की बात है। आदमी है आपके सामने, लेकिन उस आदमी को रसूल कहना वो गैब का ईमान है कि इस पर फरिश्ता आता है, इसको किताब देता है, ना आपको किताब नज़र आ रही ना फरिश्ता नज़र आ रहा है, ये गैबी का ईमान है ना। तो रसूल को रसूल मानना भी गैबियात में से है, ठीक है ना। फिर तीसरी बात, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, वो ऐसे लोग हैं जो आप पर नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं।
अच्छा ये क्योंकि मेरा मौजू अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि आयत आ गई है तो बहाने से एक और बात आपके सामने पेश कर दूँ, वो ये कि कुछ हजरात का ये अकीदा है कि रसूल के बाद भी नबूवत का दायरा खुला हुआ है, नबूवत का दरवाज़ा खुला है, कुछ लोग नबी होने का दावा कर सकते हैं। खातिम नबूवत जो खातिम हो नबूवत का, इसका मतलब ये नहीं कि नबूवत ख़त्म हो गई, हो सकता है कि वही उसके बाद दोबारा भी आ जाए, और हो सकता है कि आ सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसका जवाब आपको बहुत ज़्यादा एकेडमिक और बहुत रिसर्च और बहुत ज़्यादा उनकी तनकीद करने के बजाय सीधा सा जवाब है कुरान में, और वो सूरह बकरा में है। अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह अल्फाज़ में कह दिया कि मुत्तकी कौन लोग हैं, जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल हुआ और जो आपसे पहले नाजिल हुआ, आपसे बाद के नाजिल होने की कोई गुंजाइश नहीं, और अगर तकवा चाहते हो तो या इस पर ईमान लाओ या इससे पहले पर ईमान लाओ, इसके बाद पर ईमान लाना तकवा के ख़िलाफ़ है। और अच्छा, अगर इससे आगे किसी बात पर ईमान लाना ही है, यानी इस इंजाल के बाद, इस वही के बाद किसी चीज़ पर मुस्तकबिल में ईमान लाना ही है, तो उसका भी चलो जिक्र कर ही देते हैं, वह बिल आखिरती हम यकीनून, आखिरत पे उनको पूरा यकीन है। इसके बाद ईमान लाने वाली बात रह कौन सी गई? आखिरत। कुरान से वाज़े कलाम कौन सा होगा? इससे ज़्यादा खरी बात, सीधी बात कहाँ होगी? इसमें कोई पेचीदा मसले पर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, कुरान अपनी हिफाजत खुद कर लेता है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी बात थी, आपने ईमान लाया जिस चीज़ पर, जो आप पर नाजिल हुई, जो रसूल पर नाजिल हुई, और जो रसूल से पहले नाजिल हुई। अब जो रसूल से पहले नाजिल हुई उसमें तौरात शामिल है और इंजील शामिल है कि नहीं? इस सूरत में किसकी कहानी आएगी और बड़ी तफसील से आएगी? बनी इसराइल की आएगी। अच्छा, आप पर तो अभी नाजिल हो रही है, आपसे पहले बनी इसराइल पर नाजिल हो चुकी। अब देखो बनी इसराइल के साथ क्या हादसे हुए, उन्होंने जब इन पर ये जिम्मेदारी आयद की गई तो उन्होंने जिम्मेदारी को उठाया, संभाला कि नहीं संभाला, गैर जिम्मेदारी से काम लिया। अगर ऐसा हुआ और वो इसमें नाकाम रहे और उनकी नाकामी को बयान किया जा रहा है किसमें? सूरह बकरा में। तो आखिर में जाकर, क्योंकि हमारा ईमान सिर्फ इस पर नहीं जो हम पे नाजिल हुआ, अब इस पर भी जो हमसे पहले नाजिल हुआ, और उसकी वजाहत भी कर दी गई कि तुमसे पहले एक बड़ी अफसोस की बात है, एक कौम थी, उसको बहुत मौके दिए गए, बहुत बहुत मौके फराम किए उन्हें, बहुत नियमतों से नवाजा, बहुत सारी चीज़ें नाजिल की, लेकिन वो उसका फ़ायदा ना उठा सके। अब मुझे डर लगना शुरू हो गया कि यार, अब ये सब सोचने के बाद, समझने के बाद, अब जब मुझ पर वही आ गई है, मुझ पर यह जिम्मेदारी आ गई है, मेरी यू नो मैं अब इस उम्मत का हिस्सा बन चुका हूँ, उम्मत मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर मैं अब इस मुश्किल में पढ़ने से कैसे बचूं? आखिर में दुआ है कुरान के, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लजीना मिन कबलिना। उन्ज़ुरू इला वदाहतिल कलाम इला बलागतिल कलाम, कैसी अजीब बात है। या अल्लाह, हम पर ऐसा बोझ मत डालना जैसा कि आपने हमसे पिछली कौमों पर डाला था, क्योंकि मालूम यह होता है तारीख पढ़ के कि वो बोझ वो लोग उठा ना सके, हमें उनकी तरह मत बना देना, हमें उनकी तरह मत बना देना। यह बात का आपस में ताल्लुक है कि नहीं, जो शुरू में आई आखिर में आई? फिर इसी तरह आगे चलें, वबिल आखिरति हुम यूकिनून, आखिरत पे उनको पूरा यकीन है, और आखिर में जाके हम कह रहे हैं ला तो आखिरना, हमें पकड़ मत लेना उस दिन, हमारी पकड़ मत करना, इन नसीना ओ अख्ताना, अगर हम भूल जाएँ या कुछ गलतियाँ कर दें। ईमान तो है लेकिन गलती हो जाती है, पकड़ ना आए। और ये वही कह सकता है, इस बात की उसी को फिक्र होगी जिसका पूरा यकीन हो कि ईमान में आखिरत में पूछगछ होनी है। जैसे आखिरत पे यकीन ना हो, बस वो एक रस्मी सी बात है, माँ बाप ने सिखाई थी, हमने भी सीख ली, हाँ आखिरत है, ठीक है, जन्नत जहन्नम जब आएगी तो देखा जाएगा, काफ़ी लोगों का ये एटीट्यूड है। जिसका ये एटीट्यूड है वो अल्लाह की तरफ हाथ उठा के गिड़गिड़ा के ये नहीं कहता, या अल्लाह कभी कभार भूल हो जाती है, कभी कभार गलती हो जाती है, पकड़ मत करना, रो रो के ये नहीं कहता। ये यकीन का नतीजा है कि इंसान इस किस्म की दुआ दिल से करे। एक है याद कर लेना, एक है दुआओं का हिफ्ज़ कर लेना, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ياد کرنا آسان ہے دل سے یہی بات نکالنا مشکل ہے یہ یقین کا معاملہ ہے وبالآخرة هم يوقنون اسی طرح شروع میں ایک بات کر دی جس سے بہت عجیب سی بات ہے شروع میں ہمیں کافروں کے بارے میں بتا دیا کہ ان سے بالکل نا امیدی ہے اس وقت ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دیکھو جو کافر جو کفر کر چکے اب تک قریش کے کافر جو اب کفر پر اڑ چکے ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ برابر سی ہی بات ہوگی اگر آپ جا کے انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان لانے والے نہیں اگر اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں یہ ایمان لانے والے نہیں تو ان کا کیس تو بند اللہ تعالیٰ نے خود ان کا کیس بند کر دیا
अब क्योंकि उनका केस बंद हो चुका, तो उनसे हमदर्दी करना या उनसे प्यार से उनको दावत देने की अब कोशिश करना, उसके दरवाजे तो अल्लाह ताला ने ख़ुद बंद कर दिए। अब जो एक बात रह गई है वो जंग की बात रह गई है कुरैश से, ये बात तो वाज़े है। और ये बात किस लिए वाज़े है कि शुरू में बकरा के अब उनका हिदायत का दरवाज़ा तो बंद है, ईमान लाने वाले ये लोग हैं नहीं। अब क्योंकि ये बात वाज़े हो चुकी है तो आखिरी कलाम बकरा में क्या है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, हमारी मदद कर काफिर कौम के ख़िलाफ़, क्योंकि उस कौम में कोई उम्मीद नहीं बची तो अब उनसे सिर्फ दुश्मनी ही की तवक्को रखी जा सकती है। अभी तक तो मक्के में थे तब भी दुश्मनी ही दिखा रहे थे हमें, लेकिन शायद कुछ उम्मीद थी ईमान ले आए, जब अल्लाह ताला ने ही खुद अपना वर्डिक्ट दे दिया, अपना आखिरी फैसला दे दिया, तो फिर अब तो बस आप मदद ही कीजिए, अब फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, उनके खिलाफ हमारी मदद करें। और नुसर का लफ्ज़ जब मदद के लिए हम तर्जुमा करते हैं तो उसमें थोड़ा नुक्स है, उसमें कुछ कमी है। मदद के लिए अरबी में बहुत सारे अल्फाज हैं, अलमुसाअदा, अलइमदाद, यू नो, अलइआना, और फिर ये है लफ्ज़ अन्नसर, और अल्फाज हैं अलइस्तिगाथा, लेकिन इनमें से जब नुसर का लफ्ज़ और नुसरत का लफ्ज़ और नसर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इन अल्फाज के माने होते हैं जंग के दौरान या किसी मुसीबत के दौरान किसी के ख़िलाफ़ तुम्हारी कोई मदद करने आए तो उसे नुसर कहते हैं। फंसुरना से ही ये बात निकली कि जंग शुरू हो चुकी है। फंसुरना, साइदना अलल कौमिल काफिरीन, इस्तगिथना अलल कौमिल काफिरीन, अय्यदना अलल कौमिल काफिरीन, उनसे ये बात ना निकलती कि जंग है। फंसुरना से निकलती है कि जंग है, मुखालफत है, पूरी मुखालफत है। और सो इससे एक आखिरी जो नुक्ता निकला वो ये कि कुरान ने जंग उस कौम से सिर्फ उस वक्त उस जंग का ऐलान किया सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो मुसलमान नहीं, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उनके दिल अंदर से जांच लिए और फिर अपना फ़ैसला जाहिर कर दिया कि इन लोगों के दिल में ईमान की कोई गुंजाइश नहीं, अब इनसे जंग कर लो। क्या ये मामला अब है हमारे साथ जंग का, किसी के दिल में आप जांच सकते हैं क्या मामला है? लेकिन जंग की जल्दी हर एक को है, लड़ाई की जल्दी हर एक को है, किसी को काफिर कहने की जल्दी हर एक को है। सुभानअल्लाह, अल्लाह ताला हमें कुरान का सही फहम अता फरमाए और इस पर तदब्बुर करने की सलाहियत दे। बारकल्लाहु लि वलकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।